कदासो अव्यम गतो भवति साधको हरिय साधक असौ साधको कदा अव्यम गतो भवति यह साधक कब अभय पद को प्राप्त करता है बताइए। तो समझा रहे हैं यदा नान्यत् पश्यति आत्मनि चांतरम भेदम न कुरुते तदा अभयं गतो भवति इति प्रायः। उदरम मंत्रम कुरुते है ना, उदरम मंत्रम कुरुते उसी वाक्य करने जा रहे, पहले अंतरम को ले रहे केवल। यदा नान्यत् पश्यति आत्मनि, आत्मा में अन्यत् माने अंतरम भेदम न पश्यति न कुरुते, अपने आत्मा में स्व से भिन्न भिन्नत्वेन कोई द्वितीय को वह नहीं देखता है का मतलब क्या, कुछ भी भेद नहीं करता है। तदा अभयं गतो भवति पर तभी वह अभय को प्राप्त होने समझ। यदा पुनर्विद्यावस्थाया यस्मादेश अविद्यावान अविद्या प्रतिस्थापित वस्तो तैमिरिक द्वितीय चंद्रवत पश्यति आत्मनि चैतस्विन ब्रह्मणि उद अपि। उद्गार क्या कर दिया देखिए, अपि अरम मने अल्पम, अमला करके बोल दिया अल्पम अपि अंतर मने छिद्रम भेदं भेद दर्शन कुरुते। उत्कार अपि उसको लेना पड़ेगा अरम कर अल्पम, उदरम है अरमुत बना लो, अरम मने अल्पम, उत्मने अपि अल्पम अपि अर्थ हो जाता है, थोड़ा सा भी भेद कर लेता है। अरम अपि अल्पम अपि अंतरम मने छिद्रम भेद दर्शनं कुरुते। कब, यदा पुनरविद्यावस्थाया, जब पुनः यह व्यक्ति अविद्यावस्था में क्या कर रहा है, अविद्यावस्था में, जिसलिए एष अविद्यावान, जिसलिए यह व्यक्ति अविद्यावान रहता है तो अविद्या के द्वारा प्रतिस्थापित वस्तुओं को उस अविद्यावस्था में ही वह क्या कर दिया, आत्मा में द्वितीय के समान देख लिया। उसी प्रकार जिस प्रकार तैमिर्ग द्वितीय चंद्रवत पश्यति, तिमिर दोष के कारण से वह एक चंद्रमा होने पर भी उसमें दूसरी चंद्रमा देख लेते हैं साथ साथ, जिसमें एक सच्चा है दूसरा झूठा है, उसी प्रकार आप अपनी आत्मा में जो सच्चा है उसी में अविद्या के वजह से एक दूसरे को देख लेते हो। क्या दूसरा, दूसरे किसको देख रहे हो, हम मेरे पिताजी हैं, ये मेरे माताजी हैं, ये मेरा पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरा आश्रम है, मेरा भगत है, ये सारा चीज आपने हृदय में बांध के बैठा लिया, ये सब द्वितीयों को आपने जब तक माना हृदय में तब तक आपको भय तो रहेगा, इसे ममत्व मत जोड़ो। तो क्या होगा, अपने आप इनका रहते हुए भी आपको कोई समझ नहीं रहेगा, मेरा है नहीं, ये तो संस्था है, ये धर्म का है, हम तो इसकी चौकीदार है, केवल धार्मिक चीज है उसकी हम चौकीदार है, ये मानना पड़ेगा, ऐसे भाव करो ताकि इसमें ममत्व नहीं आना चाहिए। ममत्व आ गया तो दूसरा आ गया ना हृदय में, मैं हूं और मेरा, मैं हूं और मैं ब्रह्म हूं, बस मेरा कुछ है नहीं, मैं हूं और मैं कौन हूं, मैं ब्रह्म हूं, ये नहीं कि देवदत्त हूं, ये हूं वो हूं नहीं, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं सन्यासी हूं, ये भी सब गड़बड़, ये सब गड़बड़ है, वर्ण आश्रम सारा चीज नहीं, मैं हूं और वह मैं ब्रह्म ही हूं बस। इसके अलावा जो कुछ भी है वह सब उपाधि वाला है, महिमा उपाधि की महिमा है, उपाधि की महिमा है, अविद्या का कार्य उपाधियां, इसे अविद्या की महिमा है, इसलिए उनका अविद्या प्रतिपस्थापित वस्तु, जैसे अंक में तिमिर रोग रूपी दोष से उपस्थापित वस्तु क्या था, द्वितीय चंद्र, उसी प्रकार से अविद्या रूपी दोष के प्रतिपस्थापित द्वितीय वस्तु आपकी आत्मा ने मान लिया तो चैतस्मिन ब्रह्मणि, और आत्मा में अपनी ब्रह्म स्वरूप आत्मा में जब मान लेते हो तब अल्पम अपि भेद दर्शन करते, जब आप इस प्रकार से थोड़ा सा भी भेद दर्शन कर लेते हो, भेद दर्शन ये वही अंतरकरणम अल्पम भेदम पश्यति, भेद दर्शन कोई यहां का इसने अंतर कर दिया, अंतर कर दिया मैंने भेद देखा, अल्पम अपि भेदम पश्यति इत्यर्थः। उस पूरे वाक्य करते हैं उधर मंत्रण कुरुते करते त्रय लेना कि थोड़ा सा भी वह भेद यदि देखता है तो अत तस्मात भेद दर्शनाधेतो, उस भेद दर्शन के कारण से
अस्य भेद दर्शन आत्मनो भयम भवती, इस भेददर्शी आत्मा का जो जीवात्मा के अंदर क्या होगा, भय अनुभव होने लग जाएगा। तस्माद आत्मैव आत्मनो भय कारणम अविदुषा, इसलिए खुद की अविद्या विशिष्ट आत्मा ही आत्मा के प्रति, खुद के प्रति क्या हो गया, भय का कारण हो गया। आत्मा ही आत्मा के भय का कारण हो गया। अंतर क्या है, अविद्या विशिष्ट अपने आप को अपने माना तो आपके लिए आपका अविद्या विशिष्ट आत्मा क्या हो गया, भय का कारण हो गया। आपने आत्मा को अविद्या विशिष्ट स्वीकार कर लिया, मैं अज्ञानी हूं ये बोलते हो ना, यही फंस गया। आप अपने आप का विद्या विशिष्ट मान लेते हो तो वह आपकी अपनी ही आत्मा जब विद्या विशिष्ट हो जाने से आपके लिए भय का कारण हो जाएगा। वही आप ब्रह्म विद्या विशिष्ट आत्मा अपने आप को मानिए, ब्रह्म विद्या विशिष्ट आप आत्मा है, मैं हम ब्रह्मास्मि हूं मैं, ऐसे निश्चय कर लोगे तो आपका अपना आत्मा अभय का कारण हो जाएगा। आपके ही आश्रम वहां भी गीता में आत्मय बंधु आत्मय रिपो कहा कि नहीं कहा, गीता में भी इसलिए कहा इन ब्रह्म विद्या विशिष्ट आत्मा बंधु है, अविद्या विशिष्ट आत्मा रिपु है। देख रहे ब्रह्म विद्या विशिष्ट जो आपका अपना आत्म स्वरूप था, ब्रह्म ब्राह्मणों में देखा गया सकल द्वैत का रहते हुए भी वो आनंद अभय में थे, और वे थोड़ा सा भेद कर लिया जिसने, वो अपनी ही आत्मा विद्या विशिष्ट आत्मा से अपने भी भय हो रहा है, अपने से अपना भय किया, अरे मर जाऊंगा डर बना हुआ, मर जाऊंगा मर जाऊंगा। अरे कहां तुम मरने वाले हो, अमरण धर्म आत्मा तो अपने आप को मर जाऊंगा सोच रहे हो, शरीर का धर्म को आत्मा में आरोप कर लिया, और जो शरीर को मानने से माने चीज अपने से भिन्न शरीर आपने मान लिया और शरीर मेरा है और मेरा शरीर का मरने से मैं मरूंगा, यह भ्रांति होकर के यह भय आ गया है। तस्माद आत्मैव आत्मनो भय कारणम अविदुषः तदेत दाह, इसी बात को श्रुति ने कहा, तद ब्रह्मत्वेव भयम् भेदर्शिनो विदुषा, वह ब्रह्म ही भयरूप हो जाता है। भेददर्शी बड़े बड़े विद्वान क्यों ना हो, ईश्वरो अन्यो मत्तो अहम् अन्यः संसारी इत्य विदुषा, कैसा जान रहा है, ऐसे उसकी भेद बुद्धि है। देखो भेद बुद्धि बता रहे, मत्तो अन्यो ईश्वरो, मेरे से भिन्न को ईश्वरो पर बैठा हुआ है डंडा लिए हुए, हमें नरक में भेजेगा स्वर्ग में भेजेगा कहाँ कहाँ भेजेगा क्या क्या करेगा उल्टा पुल्टा, वो एक ईश्वर मेरे से अलग ऊपर बैठा हुआ है सात आसमान के ऊपर सत्य लोक में, और मैं अन्य संसार में उससे अलग दूसरा संसारी जीव हूं, भ्रमण करने वाला जन्म मरण के चक्र भटकने वाला, इत्येवं विदुषो, ऐसा जानने वाला जो विद्वान भी भेद दृष्टिम दृष्टम ईश्वराख्यम तदेव ब्रह्म अल्पमप्यंतरम कुर्वतो, भेद दृष्टि वाला भेद भेद के द्वारा द्वितीयत्व ने दिखाई दिया उसको, क्या मुझसे अलग दूसरा ईश्वर को मान, ईश्वर नाम से जो कह रहा है वही ब्रह्म है, इस प्रकार से अपने में और उस ब्रह्म में अल्पमप्यंतरम कुर्वतो, थोड़ा से भेद करता हुआ भयम भवती एकत्वेन अमनवानस्य, क्योंकि वह एकत्वेन नहीं मान रहा है ना, एकत्वेन अद्वितीयत्वेन एकमेव अद्वितीयम, ऐसा न मानने वाला होने के कारण से उसके प्रति वह ब्रह्म द्वितीयत्व उपस्थित होकर के भय का कारण हो जाता है। तस्मात् विद्वान अपि अविद्वान एव, सब कहने का मतलब यह भय बड़ा प्रणाली का पंडित है, ईश्वर आदि को मान रहा है फिर भी वह अविद्वान ही कहना चाहिए ब्रह्म ज्ञानी के दृष्टिकोण से, बड़े शास्त्रों का बड़ा ज्ञानी है बड़ा पंडित है लेकिन जो है फिर भी वो अविद्वान ही है। योयम एकम अभिन्न मातृत्वम न पश्यति उच्छेद हेतु दर्शना उच्छेद्य अभिमतस्य भयं भवति, क्योंकि जो यह व्यक्ति है वह एकम अभिन्न मातृत्वम न पश्यति, एक अभिन्न अद्वैत आत्मतत्व को नहीं देख रहा है, उच्छेद हेतु दर्शना किंतु उच्छेद का कारण देख लिया उसने ही, यस्माद् उच्छेद्याभिमतस्य भयं भवति, जिसने जो उच्छेद्य का स्वीकार करने वाला जो व्यक्ति होता है उस व्यक्ति को निश्चित रूपेण भय होगा ही, क्योंकि आत्मा समय क्या अनुच्छेद्य धर्म, और उसे उच्छेद देख रहे हो आप, मैं मर जाऊंगा डर रहे हो आप, है ना, इसे कहते हैं अनुच्छेद्य ही उच्छेद हेतु तन्नाशत उच्छेद हेतु अनुच्छेद्य न दर्शन कार्य भयम युक्तम, कि उच्छेद्य अभिमत पुरुष को उच्छेद हेतु देखने के कारण से भय होता है,
जो आत्मा वास्तव में कैसा है, उच्छेद के योग्य नहीं है, अनुच्छेद्यो ही। और वही अनुच्छेद आत्मा को उच्छेद अर्थात विनाश का कारण है ऐसा आप अज्ञानी को, अज्ञानी देखता है। उच्छेद हेतु तत् न असति उच्छेद हेतु अनुच्छेद्ये, अनुच्छेद्ये उच्छेद हेतु असति, यद्यपि वो अनुच्छेद्य और सकल के उच्छेद का कारण है, अयवाच इसके न रहते हुए न तदर्श कार्य भयुक्तम, और उसके दर्शन के निमित्त का भैरव का कार्य नहीं होना चाहिए था, क्योंकि उच्छेद हेतु उच्छेद्य वस्तु में उसके दर्शन का फल भय, वह फल तत्वेत्ता को नहीं होता, क्योंकि तत्वेत्ता ने उसको अभय रूपेण अनुच्छेद्य रूपेण अनुभव कर दिया। सर्वंच जगत भयवत दृश्यते, वास्तव विचार करके देखें यह संपूर्ण जो जगत है अज्ञानी को संपूर्ण संसारी भयावह दिखाई देता है। तस्मात जगतो भय दर्शनात् गम्यते, यह जगत का भय दर्शन रूप जगत रूपी भय दर्शन होने से, जगत में भय देखने के कारण से जाना जाता है कि क्या कि नूनम तदस्ति भय कारणम उच्छेद हेतु अनुच्छेद्यात्मकम, ये तो जगत विभेति, भय का कारण जो उच्छेद का कारण है, भय का कारण उच्छेद, और उच्छेद कारण क्या है, वो अनुच्छेद्य आत्मा ही है शुद्ध, जिससे यह संपूर्ण जगत भयभीत हो रहा है। भीषास्माद वात पवत, इसी का भय से वायु बह रहा है, भीषास उदेति सूर्य, उसी के भय से सूर्य उग रहा है, मृत्यु धावती पंच, उसी का भय से सारा संसार चल रहा है। वो चेतन ना होता और चेतन का भय नहीं होता ईश्वर का, तो कौन क्या कुछ करता। तदेतु स्मरते श्लोक होती, इस विषय में अगला यह मंत्र आरंभ होता है। भीषास्माद् वात पवते भीषोदेति सूर्यः, भीषास्माद् अग्निश्चेन्द्रश्च वृत्तिर्धावति पंचमो इति। सैषानन्द सिमीमागंसा भवति युवा स्यात् साधु युवा अध्यायकः आशिष्ठो दृढ़िष्ठो बलिष्ठः तस्यं पृथ्वी सर्वा वित्तस्य पूर्णा स्यात् स एको मानुष आनंदः ते ये शतं मानुषानंदाः। कहते हैं अस्मा इस परमेश्वर के भय से, भीषा मैंने भय से वात पवते वायु चलती है, अस्मादेव भीषा इसी का भय से उदेति सूर्य, सूर्य समय से उगता है और अस्त को प्राप्त होता है, भीषा अस्मात इसी का भय से अग्निश्च इंद्रश्च, अग्नि इंद्र अग्निश्च इंद्रश्च मैंने अग्नि इंद्र तथा पांचवा मृत्यु मृत्युर्धावति पंचमः। उसी स्तुति में बात करने के बाद अब कहते सहिषा आनंद स्मीमांस होती, अब यहां जो ब्रह्मानंद है उसकी मीमांसा विशिष्ट विचार पूजित विचार किया जाता है। क्या विचार किया जा रहा है, कहते हैं कि भाई कोई भी चीज की सापेक्ष वस्तुओं का विशेष रूपेण जब विचार होता है तो कोई ना कोई आरंभ के बिंदु मान लेते हम लोग, है ना, एक संख्या मान लिया, एक संख्या से शुरू कर देते न्यूनतम, सबसे छोटा परमाणु, इसे हर एक चीज में एक न्यूनतम मान लिया। नाप में भी देखो, एक मिलीलीटर, एक एमएल होता है ना सबसे छोटा, एक ग्राम, एक मिलीग्राम, एमजी, इसी तरह से यहां आनंद में भी एक आनंद किसके पास होता है, और कितने का नाम एक आनंद रखा जाए, जैसे ना पलक का गिरने का एक आपने लव नाम रख दिया, पलक का गिरने में जितना काल हो उसका नाम एक लव, फिर तीस लव एक काष्ठ इत्यादि इत्यादि शुरू हो जाता है। तो उसी प्रकार यहां पर विचार किया जा रहा है, कितना सुख आदमी के पास हो तो उसको एक आनंद नाप माना जाए, और फिर उसकी सौ गुणा उसकी सौ गुणा उसकी सौ गुणा करके बढ़ाते जाएंगे, और वो आनंद बता रहे हैं
एक आनंद मनुष्य का उस सुख को बता रहे जो सुख एक सार्वभौम राजा का होता है, पूरी पृथ्वी का राजा हो। आज तो कोई है नहीं माया का अलग पूरी पृथ्वी का राजा, ये जमाने हुआ करते थे। इसका मतलब आज जो भी सुख हम लोग अनुभव कर रहे हैं वो एक आनंद का भी एक बूंद कर बराबर है, शुद्ध आनंद है। जो कुछ भी आप आनंद और सुख अनुभव करते हो वो एक आनंद का भी कुछ प्रतिशत मात्र मानना पड़ेगा ना। एक आनंद तो किसके पास है नहीं। एक आनंद वर्णन कर रहे हैं, क्या है वो, कहते युवास्या। सबसे पहली बात है आप जवान हो। जवानी का मतलब 30 से 40 उम्र, 40 उम्र से ज्यादा हो गए तो बुढ़ापा का ढलना शुरू हो गया, क्योंकि आजकल मनुष्य की उम्र कितना है, 70 या 80, यानी 40 के बाद ढलना शुरू हो जाएगा। 40 तक चढ़ाई है, 40 के बाद ढलाई है, यानी इसलिए 20 उम्र तक तो समझो पढ़ाई लिखाई बचपना में ही चला जाता है। 20 के बाद थोड़ा समझ में लगता है, कुछ कमाओ धंधा वंदा करो नौकरी चाकरी ढूंढने डालने लग जाता है, असली जवानी में आनंद लेता है तो 25 से 40 उतनी उम्र का हो। और साधु युवा भी हो, युवा हो लेकिन साधु युवा ना हो तो व्यर्थ है। साधु युवा का मतलब क्या, अपने वर्णाश्रम का पूरा ज्ञान है, वर्ण के अनुसार और आश्रम के अनुसार क्या कर्म करना है उसे पूरा ज्ञान है और उसका पालन करता है। वर्ण धर्म और आश्रम धर्म का पालन करने वाले को साधु पुरुष कहते हैं। संतम एनम आहु पहले कह चुके हैं ना, उसको सत्पुरुष है, संत कहते हैं। और अध्याय का इसलिए मानना पड़ेगा और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ है साधु स्वभाव वाला नव युवक, और वेदादि शास्त्रों का अध्ययन किया हुआ इतना ही नहीं, आशिष्ठः। आशिष्ठः का अर्थ दो होता है, अत्यंत आशावान अतिशयीन आशा इति आशिष्ठः, अथवा आशिष्ठः का मतलब अत्यंत शीघ्र करने की सामर्थ्य वाला, कुशलता पूर्वक दक्षता पूर्वक कार्य करने की क्षमता वाला, उसको तो आशिष्ठः। दृढ़िष्ठ, शरीर भी दृढ़ है कमजोर नहीं, बलिष्ठ बलवान भी, दृढ़ है बलवान भी है, अतिशयेन दृढ़ है अतिशयेन बलवान है, अतिशयेन कार्य करने की दक्षता से युक्त है। ये सब गुण कहाँ है आजकल जवानों में, हैं? सब ढीले ढाले लोग हैं ना जवान। ये सब से युक्त होता हुआ पूरी पृथ्वी का राजा है और पृथ्वी स्वयं उसको सारा फल दे रही है। उसके प्रति यम प्रति सर्वावित्त से पूर्णा से सब प्रकार के दृष्ट और अदृष्ट जो भी भोग साधन है उन सब को दे रही है पृथ्वी। यम पृथ्वी तस्य प्रति सर्वावित्तस्य, सर्वावित्तस्य न वित्तेन सर्वा पूर्णा स्यात्। सब प्रकार के वित्त के द्वारा, सब प्रकार के वित्त का मतलब दृष्ट और अदृष्ट, सब प्रकार से पूर्णास्या पूर्ण रूपण दे रही है। स एको मानुष आनंद, उस आनंद का नाम एक मानुष का एक आनंद है, मनुष्य के द्वारा भोग्य सर्वोत्कृष्ट आनंद एक आनंद है वो, इस धरती पर रहते हुए इस शरीर में जीते हुए। आप वर्णाश्रम धर्म का पालन भी कर रहे हैं, वेदों को अध्ययन बढ़ चुके हैं, जवान हैं और आप आशावान है, दृढ़ है बलवान है, और सारी पृथ्वी ही आपका जो है सेवा में लगी हुई है। ऐसा नहीं होता आजकल जैसे हो रहा देश में, देखते हो राजा लोग बैठे हैं, इन राजाओं को पृथ्वी कुछ देने ही नहीं चाहती, सब जगह कहीं सूखा हो रहा है, कहीं ज्यादा बारिश बर्बाद हो रहा है, कहीं बाढ़ आ रहा है, कहीं कुछ हानि 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 हमेशा सुनने को मिल रहा है। इधर वो गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया, कहीं आग लग गया, जंगल के जंगल भस्म हो गया, गांव के गांव नष्ट हो रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, ये सब आपदाएं हो रही है। का मतलब क्या, राजा धूर्त दुष्ट बदमाश सही आदमी नहीं है वो, और प्रजा भी ऐसे ही है, यथा राजा तथा प्रजा, राजा प्रजा सब भ्रष्ट हैं, इसलिए प्रकृति और पृथ्वी कोई भी आप मनुष्य को साथ नहीं देती है। राजा प्रजा बिल्कुल धर्मानुसार न हो
वहां सब कुछ देखो परिपूर्ण आसिया पूर्ण रहता है। और ऐसे जो मनुष्य यादृश सकल भोग से युक्त होकर सर्व संपदाओं से युक्त होकर किसी प्रकार की भी चिंता का अवसर ही नहीं रह गया, मानुषी दुख का कोई अवसर नहीं, मानुषी दुख भोग का अवसर ही नहीं रह गया, ऐसा जो जीवन जिसकी चलती हो उस व्यक्ति का आनंद का नाम एक मानुष आनंद। उसका सौगुणा जो मनुष्य होकर यहाँ किए हुए कर्म और उपासना की वजह से जो गंधर्व भाव को प्राप्त कर गया उसका होता है 100 मानुष आनंद, एक मनुष्य गंधर्व का आनंद के बराबर करके वर्णन करेंगे। इसका भाष्य देखिए, भीषा भीषा तृतीय एक वचन है, भीष शब्द है भीट भीड़, भीषो भीषा है ना, भीषम भीषा, हाँ भीषो भीषा भीषा, भीड़ व्या भीड़ भी, भीषे भीड़ व्या भीड़ व्या भीषा, भीड़ व्या भीड़ व्या भीषा, भीषो भीषा भीषा भीषो, इस तरह से बनेगा भीषी भीषो हो भीक्ष भीट्सु भीट्सु भीषा। इस तरह करते भय न अस्मात, इसी ब्रह्म का भय से वात पवत है, भीषा उदित सूर्य स्पष्ट अर्थ वाला है, इसलिए कुछ नहीं कह रहे भाष्य का, भीषा उदित सूर्य भीषा अस्मात अग्निश्च इंद्रश्च मृत्युर्धावधि पंचम इति। भय का कारण ब्रह्मानंद रूपम मुक्तम, भय का कारण क्या है, ब्रह्मानंद स्वस्वरूप ही बन जाता है भय का कारण। यदि द्वैत बुद्धि हो गई, थोड़ा सा भी भेद बुद्धि हो गया तो अपनी आत्मा से स्वयं को भय प्राप्त होने लग जाएगा, अपने से अपने ही भय को प्राप्त करता है भेद बुद्धि के कारण, अविद्या के कारण, और अपने से अपने मस्त रह जाता है जब विद्या के कारण। बाई किस साधन की अपेक्षा ही नहीं सुख के लिए, ये तो ना ब्राह्मण लोग ऐसे भी हैं जो बाह्य साधन रहित हैं फिर भी पूर्ण आनंद में मस्त हैं, क्योंकि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित है विद्या के द्वारा, अने अपने से अपने आप में परिपूर्ण हो जाकर आनंद को अनुभव करते हो, और अपने से द्वैत कर लिया भेद कर लिया तो भय से युक्त हो जाते हो। अजय ब्रह्मानंद ही भय का कारण है, उसी ब्रह्मानंद की वजह से ही उसके भय से वायु हुआ, वातादेव महारा स्वयं ईश्वर संत पवनादि कार्येश आयास बहुलेशु नियत प्रवर्तन्ते। देखिए वात आदि कैसे हैं, स्वयं महान पूज्य देवता लोग हैं, महाराह महार है ये, महापूज्य है वो, पूजा के योग्य, स्वयं ईश्वर, स्वयं ईश्वर होते हुए भी शासन करने में समर्थ है वो, संत ऐसा होते हुए भी पवनादि कार्येषु आयास बहुलेषु, जिसे बहुत आयास है ऐसे बहना रूपी वायु का बहना इत्यादि जो चलना रूपी श्रम बहुल पवनादि कार्य में नियम से नियत प्रवर्तन है, नियमित रूप से प्रवृत्त हो, जिस समय जो होना है देखो बड़ा विचित्र है ज्योतिषियों का गणित, सब बोल रहे हैं कितना बजे सूर्य उदय होगा, अपने उसी क्षण में होगा सूर्य उदय, इसी सारी गति की प्रक्रिया नियत है, तभी तो आप गणित सही हो रहा है, नहीं तो गणित सब गलत हो जाएगा। ये अनियत रूप से चलने लग जाए ये सूर्य चंद्र नक्षत्र ताराएं सारी, आपका सारा ज्योतिष फेल हो जाएगा। इसकी नियत गति के कारण से आप गणित बन गया ना, आपने एक नियम मन मना लिया ऐसा ऐसा चलेगा, वो इतनी गति से जाएगा, इतना समय यू जाएगा, फिर थोड़ा पीछा हटेगा, फिर आगे जाएगा, कब मंद होगा कब शीघ्र होगा, एक नियत व्यवस्था है उसका पूरे ब्रह्मांड का। उस नियत व्यवस्था को ऋषियों ने देख करके हमें गणित दे दिया, और उस गणित के अनुसार आप ज्योतिषी लोग आज गणित करते हैं तो वैसे का वैसे घटना होता है। ये आश्चर्य करते हैं वैज्ञानिक लोग कई बार ग्रहण के बारे में, वो जो समय देते हैं वैज्ञानिक लोग गलत हो जाता है, और ये जो समय देते हैं ये क्षण भी इधर उधर नहीं होता। इसका मतलब वो जो अपना दुनिया टेलीस्कोप वगैरह दुनिया और लगा लू करके गणित कर रहे हैं उनकी सारा गणित फेल हो रहा है। अपने ऋषियों ने जो दिया वो गणित पक्का, आज वो ही पंडित लोग लेकर के करते हैं गणित, बिल्कुल सही आता है। सूर्योदय हो चाहे सूर्यास्त हो चाहे ग्रहण हो, ग्रहों की गति हो, 100-100 साल आगे की पंचांग बना के रख दी है, 100 साल का पंचांग मिलता है, आगे 100 साल कब क्या होगा, कब ग्रहण होगा, कितने ग्रहण होंगे एक साल में, सब लिख दिया। कितनी गणित हम लोगों की पक्की है, कारण क्या है उसका पीछे, ये सब ग्रह नक्षत्र तारे उस ब्रह्म का भय से नियत चाल चलते हैं। यह नियत चाल चले तो कोई नियम चाल फायदा ही नहीं होगा ना, सब नियम टूटते रहेगा,
नए नए नियम बनाने पड़ते रहेंगे। जैसे आश्रमों का क्या हालत है, हर देखो नया नया नियम बना देते रहते हैं, बड़े बड़े आश्रमों का ही हालत है ना। कारण क्या है, जो आते हैं विद्यार्थी महात्मा वगैरह उठ पटांग नियत रूप से चलते ही नहीं, ढंग से चलते नहीं, कोई नियम नहीं, कुछ नहीं। अब कुछ नियम लागू करना पड़ता है, नया नया नियम बनाना पड़ता है, जितना उठ पटांग आएगा उतनी नया नया नियम, जितना सही आएगा फिर नियम ढीला पड़ेगा। एक मनुष्य है पशु से भी खराब, कभी नियत रूप से कोई कार्य करता ही नहीं। पशु भी नियत रूप से काम करते, समय पर दूध देते कि नहीं गाय, वो कभी 12 बजे दे दे, कभी रात्रि 12 बजे देने लग जाए, फिर तो आदमी पागल हो जाएगा, क्या पालेगा गाय को। वो भी नियत रूप से दूध देती है, सब काम नियत रूप से हो। मनुष्य कहने पर भी टाल मटोल करेगा, बहानाबाजी करेगा, सबसे बुद्धिमान जानवर मानते अपने आप को मनुष्य, सबसे बुद्धिमान, और सच्चाई में देखो सबसे घटिया यही है। क्या बुद्धिमान है, कोई बुद्धिमानी का लक्षण है? बिना कहे अपने आप सब कार्य संपन्न होना चाहिए ढंग से, नियत रूप से होना चाहिए। नियत रूप से खाना बनता है, नियत रूप से खाना खाते हो, मतलब मजबूरी क्या करे, पेट है ना। अब बाकी सब काम क्या नियत रूप से नहीं होता, लेकिन नियत परिवर्तन दे और ब्रह्म का भय से सब नियत रूप से प्रवृत्त होते हैं इस मनुष्य को छोड़ करके। तयुक्तम प्रशास्त्री सती अन्यस्मिन नियमेन तेषां प्रवर्तनम्, क्योंकि तदयुक्तम वह नियत प्रवृत्ति इन लोगों का युक्त है। क्यों, अन्यस्मिन प्रशास्त्री सती, स्व से इन सब से भिन्न कोई प्रशासन करने वाला का रहते हुए नियमेन तेषां प्रवर्तनम् युक्तम, नियमित रूप से उन लोगों का प्रवृत्त होना युक्त है, उचित ही है। तस्माद् अस्ति भय कारणम् तेषां प्रशास्त्री ब्रह्म, इसलिए मानना पड़ेगा उनके भय का कारणीभूत प्रशास्ता ब्रह्म नाम का चीज है, ये सिद्ध हो गया। इसलिए आश्रम में कोठारी वगैरह बनाना पड़ता है, प्रशासन करने वाले को बनाना पड़ता है, कोठारी बनाओ तब जाके वो सब अपने उसके शासन ठीक चलेंगे। अब हम लोग कुछ बोलते हैं नहीं तो अगर कोई कोठारी भी नहीं रखा तो मन माने चलता उठ पटांग का, तो भय का कारण कुछ ना चाहिए तभी आदमी ठीक चलता है। इसलिए ब्रह्म सूत्र में भाष्यकार ने सही कहा शुरू में ही, पश्वादिभिश्च अविशेषात्, मनुष्य भी वास्तव में पश्वादिभिश्च अविशेषात, कोई अंतर नहीं है पशु और मनुष्य में, वास्तव में कोई फर्क नहीं। जब तक आपके अंदर स्वविवेक पूर्वक नियत रूप से वर्ण और आश्रम धन का पालन करता हुआ मुमुक्ष होकर के ब्रह्म विद्या प्राप्ति की ओर अग्रसर जब तक नहीं होंगे, तब तक आपके अंदर मनुष्यत्व नहीं माना जा सकता, पशुत्व ही माना जाए, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंति ही मानना होगा। यथा ते भृत्य इव राज्यो, क्योंकि वे सूर्य चंद्र नक्षत्र तारा सब क्या कर रहे हैं, वायु वगैरह इंद्र देवता वगैरह, ते नौकर के समान राजा का, जैसे राजा का नौकर भय के मारे बिल्कुल सही ढंग से काम करते हैं, उसी प्रकार से इव अस्मात् ब्रह्मणो भयेन प्रवर्तन्ते, इसी ब्रह्म का भय से प्रवृत्त होते हैं। तच्च भय कारणम आनंदम ब्रह्म, और वह भय का कारण क्या है, आनंद रूप ब्रह्म ही है। तस्यस्य ब्रह्मण आनंदस्य एषा मीमांसा विचारण भवति, वह यह जो ब्रह्म के आनंद का, मैंने आनंद स्वरूप ब्रह्म का ही एक तरह से मीमांसा, आनंद स्वरूप ब्रह्म किसमें कितना भी व्यक्त है, जैसे 0 वाट का बल्ब से लेकर के 5000 वाट का बल्ब तक एक के बाद एक डाल दो, यानी तब क्या होगा, आपको साफ दिखता है ना, बिजली तो अभिव्यक्त हो रहा है सभी उपाधि में, इन किस उपाधि में कितनी अभिव्यक्ति हो रही है, इससे इसमें ज्यादा, उससे उसमें ज्यादा, उससे उसमें ज्यादा, उससे उसमें ज्यादा, यही तो बोलोगे आप। उसी प्रकार से आनंद का भी है, ब्रह्म का भी, यदि सभी में ब्रह्म समान है, पूर्ण है, कहीं भी ब्रह्म अपूर्ण नहीं है। यानी उपाधि है ना, वो 0 वाट का बल्ब भी उपाधि है, वो तो टू टू कर थोड़ा सा ही देगा प्रकाश, फिर आया 7 वाट का, 8 वाट का, 9 वाट का, 11 वाट का, 15 वाट का, आजकल तो बहुत है इस तरह के, 20-20 वाट, 30 वाट, 40 वाट, 60 वाट, 80 वाट, 100 वाट, 200 वाट, 500, 1000, 2000, 5000 तक सब है। उपाधियां तो है वो, और है क्या, बिजली तो उतनी जानी है उसमें, सब में बराबर बिजली जानी है, इन उपाधि के अनुसार उसमें बिजली की प्रकाश की अभिव्यक्ति होती है।
उसी प्रकार से यहां पर भी ये मनुष्य है, मनुष्य गंधर्व है ना, देव गंधर्व है, पितृ देवता है, आजानज देवता है, कर्म देवता है, इंद्र है, बृहस्पति, ये सब उपाधियां हैं। इन अलग अलग उपाधियों में वो आनंद की अभिव्यक्ति, ब्रह्म का अभिव्यक्ति अलग अलग, सौगुणा 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 ज्यादा है। इसलिए उपाधि कैसी हो तो ज्यादा से ज्यादा ब्रह्मांड की अभिव्यक्ति हो सकती है, ये विचारणीय विषय बन रहा है यहाँ। आनंद भी ब्रह्म का ऐसा मीमांसा मैंने विचारणा, ये विचार आरंभ किया जा रहा है कि मानस मीमांसा में उच्चते, क्या आनंद का भी मीमांसा हो सकता है, क्या मानवीय मीमांसा के योग्य है, क्या क्या आप कह रहे हो, किस प्रकार आनंदमय की मीमांसा करोगे कि आनंद विषय विषय संबंध जनित हो लौकिकानंदवत आहोस्वित स्वाभाविक एवं ऐसा आनंद मीमांसा। आप कौन सी आनंद की मीमांसा करना चाहते हैं जो विषय विषय संबंध से जनित है, शब्द श्रोत इंद्रिय रूप चक्षु है ना, सुगंध और ग्राण है, रस और जिह्वा है, स्पर्श और त्वचा है, इनके विषय विषय भाव संबंध से जनित जो आनंद है, इस आनंद की मीमांसा करना चाहते हो लौकिक आनंदवत, लौकिक आनंद के समान आहोस्वित, अथवा ये जो स्वाभाविक आनंद है हम सबके भीतर व्यापक ब्रह्म, उसी के ही अभिव्यक्ति की जो तारतम्यता का वर्णन करना चाह रहे हो आप। स्वाभाविक आहोस्वित स्वाभाविक उत्पन्न होने वाले लौकिक आनंद के समान ही है, अथवा वह आनंद स्वाभाविक है, उसकी तुम अभिव्यक्ति की तारतम्यता को विचारणा करना चाह रहे हो क्या, इत्येवम् एषा आनंद मीमांसा। इस प्रकार आनंद की ही यह मीमांसा आवश्यक हो जाती है, क्योंकि लोक में हम देख रहे हैं तारतम्यता है ना, आनंद हर व्यक्ति के सुख का आनंद का तारतम्यता दिखाई दे रहा है। एक ही घर में चार बालक हैं, चार बच्चे हैं, माँ बाप छह लोग, छों का आनंद की तारतम्यता है कि नहीं। पिता को अपने बच्चों को लेकर कुछ आनंद मिल रहा है, लेकिन कुछ टेंशन भी है उन पढ़ाई वढ़ाई वगैरह के बारे में। माँ को उसकी पढ़ाई से ज्यादा नहीं होता है, वो अपने बस खिला पिला के हट्टा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बालक हमारा मेरा बच्चा वही देख रही है उसको, तो यार पढ़ाई हो रहा है, हो रहा नहीं हो रहा है, बाप जाने का। आजकल तो उल्टा हो गया, माँ ही देखती है पढ़ाई बच्चों की, बाप तो गधा रहता है, केवल पैदा करना जानता कुछ नहीं जानता, स्कूल से आया बच्चा पढ़ा कि नहीं पढ़ा सारा माँ को ही बैठ के देखना पड़ता है, सब कब रवाती है। और जिस घर में माँ बाप दोनों ही नहीं देखते, बच्चा बिल्कुल बेकार ही हो जाता है। इन अपने अपने तरीके का उनको टेंशन है ना, तनाव रहता है, चिंतन रहता है, विचार रहता है, इसलिए सबका सुख आनंद अलग 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 है, एक ही घर के अंदर देखने को मिल रहा है। इसलिए कहते हैं जिस प्रकार से लौकिक आनंद में तारतम्यता है, तो स्वाभाविक आनंद में का अभिव्यक्ति में भी तारतम्यता अवश्य ही होगा, अति भी विचारण करना आवश्यक। इसमें सबसे पहले सार्वभौम राजा का आनंद को एक मानसान रूप से कह रहे, देखिए तत्र लौकिक आनंद बाह्य आध्यात्मिक साधन संपत्ति निमित्त उत्कृष्ट। वहां पर यह विचारणा आरंभ करने के लिए कहा जा रहा है कि बाह्य तथा आध्यात्मिक, बाह्य और आध्यात्मिक संपत्ति के निमित्त से, बाह्य मने बाहर वाला ना, गाय गाड़ी घोड़ा मकान बिस्तर वस्तर सब बढ़िया 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 है, बाह्य सब साधन हो गया, और वो भोगने लगे शरीर में भी सब ठीक ठाक होने जब सारी इंद्रियां, हाँ बहुत बढ़िया टीवी लाया और आंधा है, क्या करेगा, फायदा क्या उसका, खरीदवा लिया पैसा है खरीद लो, लेकिन देख तो सकता नहीं ना वो, उसका मजा तो आएगा नहीं उसको। इसलिए ये भी सब ठीक होना चाहिए शरीर के, उसका आध्यात्मिक कर बाह्य सारा सामग्री हो और शरीर का सारी इंद्रिया वगैरह सब ठीक ठाक हो, आतर साधन संपत्ति से संपादन से उस निमित्त से जो लौकिक उत्कृष्ट आनंद है, उस उत्कृष्ट आनंद से तारतम्य शुरू करेंगे हम। साय ऐसा निर्दिशते ब्रह्मानंद अनुगमार्थम, और उसका यहां जो निर्देश किया जा रहा है यहां पर ब्रह्मानंद का अनुगम के लिए ही है। ब्रह्मानंद के वास्तविक स्वरूप क्या है इस बात का बोध कराने के लिए आनंद की मीमांसा शुरू हो गई, ताकि हमें क्षुद्र आनंदों से ऊपर उठ करके पूर्ण आनंद की अभिलाषा करनी चाहिए,
और उसके लिए क्या आवश्यक है वो भी बता देंगे साथ साथ। अनेन ही प्रसिद्धेन आनंदेन व्यावृत्त विषय बुद्धिगम्य आनंद अनुगंतुम शक्यते, क्योंकि इसका विचार करने का दृष्टिकोण यह है कि इस प्रसिद्ध आनंद द्वारा ही विषय व्यावृत केवल बुद्धिगम्य आनंद को समझाया जा सकता है। प्रसिद्धेन आनंदेन, लोक में प्रसिद्ध आनंद को लेकर शुरू करेंगे हम, यहां से शुरू करके व्यावृत्त विषय बुद्धिगम, जब इन सब विषय अलग अलग बताएंगे ना, इन सकल विषयों से व्यावृत्त बुद्धि हो जाए, उसी और गम्य क्या पूर्ण ब्रह्मानंद। यह बात को बोध कराने के लिए ही आनंद मीमांसा आरंभ हुआ, अनुगंतुम शक्यता। प्रसिद्ध आनंद द्वारा ही विषय व्यावृत्त जो केवल बुद्धिगम्य आनंद को समझाया जा सकता है, यह बात को मन में रख करके आनंद मीमांसा शुरू हुआ है। लौकिकोपि आनंदो ब्रह्मानंद सेव मात्रा, वास्तव में जो लौकिक आनंद है यह भी इस ब्रह्मानंद का एक अंश मात्र है, एक बूंद है, वो एक बिंदु के समान है। ऐसे कैसे कह दिया, कारण यह है अविद्या तिरस्क्रिय माने विज्ञाने उत्कृष्ट माने अंश अविद्या। तो होता क्या है, आपके अंदर विद्यमान जो अविद्या है वह अविद्या उस ब्रह्म स्वरूप विज्ञान आनंद को तिरस्कृत कर दिया, ढक दिया, ढक करके उत्कृष्ट माना अंश विद्या। अविद्या जितनी उत्कृष्ट होता बढ़ती जाती बढ़ती जाती बढ़ती जाती है, उतना आनंद घटते जाते घटते जाते घटते जाते है ना। जहां बड़ा से बड़ा लाइट भी हो उसके ऊपर एक कपड़ा डाल दो तो भी प्रकाश तो आएगा ही, दूसरा डाल दो, तीसरा डाल दो, चौथा डाल दो, फिर अंत में क्या होगा, अंधकार हो जाएगा। भले लाइट जल रहा है अंदर में, बल्ब बड़ा से बड़ा डाला आपने, खूब बिजली भी है, चल रहा है बढ़िया, लेकिन जितना ऊपर से हमने पर्द चढ़ाते गए उतनी ही वो प्रकाशहीन होते 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 लगता प्रकाश ही नहीं है। जैसे महादुखिया है ना, महादुखिया होते ना, वो हमेशा जहां भी जाएंगे रोना ही रोना रहता है उनका, ये नहीं वो नहीं ऐसा हो रहा वैसा रही हो रहा वो हो रहा हमारे घर बर्बाद हो गया वैसा हो गया, रोते ही रहते। यहाँ आते हमारे पास कुछ ऐसे भगत को जो है, जब भी आएंगे उनका रोने के अलावा कुछ कभी बोलते हैं हाँ अच्छा है, कुछ ठीक है, कभी नहीं, हमेशा रोना ही। कुछ लोग होते हैं ऐसे, चाहे जितना अंदर से दुखी हो तो बाहर से बिल्कुल ठीक ठाक है, महाराज बहुत बढ़िया, आपका आशीर्वाद है, कृपा, सब कुछ बढ़िया चल रहा, ऐसे कह रहे हैं। दोनों तरह के दुनिया में देख रहे हैं ना हम लोग, अंतर क्या है, एक वह है जिसकी अविद्या पराकाष्ठा में पहुंच चुकी है, महादुखी हो गया, इसे अविद्यांच उत्कृष्ट माणाया ब्रह्मादि कर्मवशाद यथा विज्ञानम विषयादि संबंध वशाद च विभाव्यमानश्च लोके अनवस्थितो लौकिका संपदते। ब्रह्मादि भी ब्रह्मा से लेकर के नीचे की ओर अविद्या बढ़ती जाती है, इसलिए ब्रह्मादि ही अविद्यम उत्कृष्ट माणाया, अविद्या के द्वारा विज्ञाने तिरस्क्रियमाणे, विज्ञान का तिरस्कार हो गया, स्वरूप ज्ञान का तिरस्कार होते गया, और ब्रह्म आदि में देखा जा रहा है अविद्या का उत्कर्ष होते जाते, जिससे ब्रह्मा से कम अविद्या है, ब्रह्मा के पास भी अविद्या है थोड़ा है, बहुत कम, वो जीवन मुक्त है ना, लेश अविद्या प्रारकरण को इससे थोड़ा सा है, वहां से बढ़ते 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 अविद्या बढ़ती गई कहां मनुष्य में, और इससे भी ज्यादा बड़ा कहां पशुओं में, स्थावरों में, जंगलों में, उनमें जब चला गया, अविद्या बढ़ती जाती है। पूर्ण रूप में अविद्या की महिमा देखना है तो महान स्थावरस्तु को देखना, पत्थर आदि जो है अविद्या का पूर्ण अभिव्यक्ति है, वहां ब्रह्मादि की अभिव्यक्ति कुछ भी नहीं दिख रही। इसे कहते ब्रह्मादि भी कर्म वशात कर दिया, यथा विज्ञानम ने यथा श्रुतम, यथा विज्ञानम कर दिया यथा श्रुतम, जैसा आपने शास्त्रों को पढ़ा है और जैसा आपने कर्म किया है, विषयादि साधन संबंध वशात, और विषयादि साधनों के संबंध के वजह से भी, विषयादि साधनों साधन संबंध के अधीन होने से भी विभाव्यमानश्च यथा कर्म यथा विज्ञान प्रकाशित हो तो भी
क्षीमाण चपलश्चैत्यर्थ विभाव्यमानत्वादेव प्रकाशित तो हो रहा है थोड़ा थोड़ा आनंद, लेकिन वह क्षीण हो जाता है, अत्यंत चंचल चपल है वह आनंद, टिकता नहीं है लंबा लंबा समय तक। लोके अनवस्थित लौकिक संपदित है, क्योंकि इस लोक में देखने को मिलता है वह अवस्थित नहीं रहता, स्थायी नहीं, अस्थायी लौकिक सुख लोक में प्राप्त किया जाता है। स एव अविद्या काम कर्म प्रकर्षेण मनुष्य गंधर्वाली उत्तरोत्तर भूमिषु अकाम हत विद्योत्र प्रत्यक्ष विभाव्यते शतगुणोत्तरोत्तरोत्तरकर्षेण यावधिर्ण गर्भ से ब्रह्मण आनंद इति सैव, ये जो लौकिक आनंद वही फिर अविद्या काम कर्म प्रकर्षेण, अविद्या कामना और कर्म इस अपकर्ष से, कर्म प्रकर्षेण पाठ यहाँ है दिख रहा है होना चाहिए अपकर्षेण, क्योंकि आगे उत्कर्षण लेंगे ना देवतादि के लिए, पहले अपकर्षण पाठ होना चाहिए बाद में उत्कर्षण पाठ होने से ज्ञापन हो रहा है, पहले प्रकर्षण नहीं होना अपकर्षण पाठ बना लेना, उसको अशुद्ध है ठीक करो। अविद्या काम कर्म अपकर्षण, अविद्या कामना और कर्म के अपकर्ष से मनुष्य गंधर्व आदि उत्तरोत्तर भूमियों में सौ सौ गुणे उत्कृष्ट रूप में हिरण्यगर्भ पर्यंत अनुभव किया जाता है। मनुष्य गंधर्वादि उत्तरोत्तर भूमियों में अविद्या का अपकर्ष होना, अविद्या घटते जा रहा है घटते जा रहा है, जितनी अविद्या घटेगी उतनी आनंद बढ़ेगा, इसलिए अपकर्ष है। कहा मनुष्य गंधर्व आदि उत्तरोत्तर भूमिशो, क्योंकि उन भूमियों में क्या स्थिति है कि सौ सौ गुणा उत्कृष्ट रूप में दे रहे शत गुणोत्तरोत्तर उत्कर्षेण आनंद विभाव्यते, आनंद अभिव्यक्त होते जाता है। कहां तक? यावत हिरण्यगर्भस्य ब्रह्मणः, जब तक हिरण्यगर्भ रूप ब्रह्म का जो स्थिति है वहां तक का जो है ना आनंद सौ सौ गुणा बढ़ते ही जाता है। कारण क्या है? कारण अकामहत विद्वच्छोत्र प्रत्यक्ष, कि जो कामना से शून्य विद्वान है ब्रह्मज्ञानी है ऐसे कोई प्रत्यक्ष होता रहता है, दूसरों को नहीं होता। अकाम से हत मैंने काम से हत नहीं है, अकाम हत पहला विशेषण, दूसरा वो विद्वान है, तीसरा श्रोत्रिय है, वही व्यक्ति को प्रत्यक्ष विभावते, प्रत्यक्ष से साक्षात्कार हो जाएगा उसको, उस आनंद का साक्षात्कार हो जाता है। जितनी अंदर कामना है उतनी आनंद घटती है, जैसे जैसे कामना घटते जाएगा वैसे आनंद बढ़ते जाता है। कामना का अभाव पूर्ण आनंद का अभिव्यक्ति में मूल कारण बन गया। और कामना का अभाव कब होगी? जब अविद्या का अभाव हो जाए, कि जब तक अविद्या है उस अविद्या में वासनाएं रहेंगी और उन वासनाओं के कारण कोई ना कोई कामना छोटे मोटे होते रहते। ऐसे ऐसे महात्माओं को देखा उनको कोई चीज की कामना नहीं है, बिल्कुल फक्कड़, लेकिन कभी कभी कहते बहुत दिन हो गया अच्छा भंडारा नहीं मिला, मैं अभी भंडारे की कामना है, भले दुनिया का कोई अन्य कामना नहीं बढ़िया भोजन की कामना आ गई, ऐसे उनको देखा। तो इसलिए कामना का अभाव तब हो गया, अविद्या का पूर्ण रूप अभाव होना जरूरी है, और अविद्या की निवृत्ति ब्रह्म विद्या के बिना हो नहीं सकती। अरे ब्रह्म विद्या से जब विद्या की निवृत्ति होगी तो सारा बाकी खेल खत्म हो जाएगा, वही पूर्ण ब्रह्मांड का अनुभव करता है दूसरा नहीं। निरस्तित्व अविद्या कृते, स्पष्ट बोल रहे हैं, निरस्तित्व अविद्या कृते विषय विषय विभागे विद्या स्वाभाविक परिपूर्ण एक आनंद द्वैतो भवति इत्येतमर्थम विभावयिष्यन् आह। अविद्या कृत विषय विषय विभाग सब कुछ निरस्त हो जाता है, विषय विषय विभाग जो कि अविद्या के कारण से है वह नष्ट हो जाए ब्रह्म विद्या के द्वारा। कैसे? विद्या ब्रह्म विद्या द्वारा अविद्या कृत सारा ये विभाग को जब निरस्त कर दिया जाता है, निरस्त हो जाने पर क्या होगा? स्वाभाविक परिपूर्ण एक अद्वैत आनंद, एक अद्वितीय आनंद रूपदा आपका जो अभिव्यक्त हो जाएगा। इत्येतम अर्थम, बस इतनी बात को बतलाने के लिए ही
ये आगे का सारा मंत्र भाग शुरू हो रखा है। युवा, युवा मैंने प्रथम वया, युवा का अर्थ ले लिया प्रथम वया। पूर्वम वयो यौवनम जराच उत्तरम इति द्विविधो विभाग अभिप्रेण आह। कहते हैं टिप्पणकार, प्रथम वय कैसे हो गया? प्रथम तो होता है जन्म, शिशु है ना, शिशु के बाद कुमार होएगा, फिर पौगंड दशा आएगी। आप सीधे आपको प्रथम कैसे कहते भाष्यकार ने? कहते दो भाग कर, सारा जिंदगी को दो भाग कर दिया भाष्यकार ने। पूर्व भाग पूरे का नाम युवा रख दिया, उत्तर भाग पूरे का नाम वृद्धता। पूर्वम वय यौवनम जराच उत्तरम, टिप्पण नंबर दो, इति द्विविधो विभाग प्रेरण। द्विविध दो प्रकार से विभाग करके आयु को इस तरह से कह दिया गया, युवा प्रथमया। साधु वय थे साधुश्चासो युवाचित यूनो विशेषण, साधुश्चासो युवाच इति साधु युवा, ये जो शब्द है वो पहला जो आया वो युवा शब्द था, उसका विशेषण है समझो। यह युवा भी असाधुर भवति साधुरपि अयुवा, क्योंकि संसार में देखने को मिलता है जवान होते हुए भी वह वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं करता, और को ऐसे देखने को मिल रहा है वर्णाश्रम धर्म का पालन कर रहा है किंतु युवा नहीं है, बुढ़ापा आ गया, जवानी तो यूं ही बिता दिया बेकार, मौज मस्ती में चला गया, धर्म कर्म का कुछ ज्ञान ही नहीं, वर्णाश्रम का ज्ञान नहीं, सारी जवानी खत्म हो गई। अब बुढ़ापे में आकर के वर्णाश्रम धर्म को जानने की चेष्टा किया और थोड़ा थोड़ा पान कर रहा है, तो व्यक्ति क्या है? साधु तो है, ये वर्णाश्रम पान कर रहा है किंतु उसे युवा तो नहीं है। वही व्यक्ति पहले क्या था? युवा था किंतु असाधु था, वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर रहा, यही सामान्य रूप से संसार में होता हुआ देखने को मिल रहा है। ये दोनों से युक्त ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं जो बचपन से शास्त्रों को पढ़ा और वर्ण धर्म आश्रम धर्म का ज्ञान है उनको, चाहे सत्संग से ज्ञान हुआ या ऐसे घर में पैदा हुआ जहां वर्णाश्रम धर्म का संग पालन हो रहा है। भगवान खुद ही कहा ना, ऐसा जन्म दुर्लभम गया श्रीमदाम कुले, जो वर्णाश्रम धर्म का पालन होता हो ऐसा घर में जन्म मिलना इस कलयुग में तो बड़ा कठिन है। घर घर में क्या है, न वर्ण है न आश्रम धर्म, कोई पालन होता ही नहीं, वर्णाश्रम धर्म अतीत संप्रदायों में सब पैदा हो रहे। सनातन धर्म वाला घर हो और वो भी सनातन धर्मी ऐसा हो कि अब कहने के लिए मैं सनातन धर्मी हूं नहीं, अपने वर्ण का पालन कर रहा है, वर्ण धर्म का आश्रम धर्म का पालन करता है, ऐसे घर में जन्म हो और वह जन्म से सब पालन करता हो, ऐसा युवा होना बहुत कठिन है। ऐसा होने के बाद भी युवास्या साधुवायती और अध्याय को अधीत वेद, मान लो ऐसे घर में पैदा हो गया और उन्हें संस्कार दिया, उस संस्कार की वजह से आप जो है वर्णाश्रम का पान कर रहे हैं, इन खुद वेदों का पढ़े नहीं है, इसलिए एक और विशेषण दिया युवा अध्याय का। अध्याय का अधीत वेद है, अध्याय का मैंने अधीत वेद, जिसने वेदों को पढ़ा है। जैसे उत्कृष्ट घर में जन्म लेना, वर्णाश्रम धर्म वाले घर में जन्म लेना, लेने के बाद वेदों को पढ़ा भी हो, और आशिष्ट आशुतम क्षिप्रकारिषु मध्ये स्वयं अतिशयत्वाइत्यर्था आशुतम आशास्त्रितम, इति पाठ भेद भी है, आशास्त्रितम भी ले सकते हो और आशुतम भी ले सकते हो, दोनों में अलग अलग अर्थ हो जाता है। एक तो तेजी से काम करने वाले बहुत लोग होते हैं, लेकिन बड़ा झटपट झटपट कर दिया लेकिन वो मजा नहीं आता उसे, तेजी से तो किया। जैसे लोग होते हैं, हम लोग देखते भोजन बनाने, अब एक घंटे में बनाने वाले भी हैं, आधे घंटे में बना देंगे, झटपट निपटा दिया, लेकिन खाने लायक ही नहीं, क्या फायदा है? खाने निपटा तो दिया आपने, बना तो दिया, अब खाने लायक तो खाद बना दी, क्या फायदा? और कोई होता है तेजी से बना, फिर आधे घंटे में बना रहा, लेकिन ऐसा स्वादिष्ट बना जो खाए चाट चाट के खा जाए, दक्षता है बनाने में ना, क्षिप्रकारी है वो, क्षिप्रकारियों में से भी जो अतिशय रूपण करने वाला होता है उसको आशिष्ट कहते हैं। और आशास्त्रितम हो तो
चाहने वालों में मैंने अभिलाषाएं हैं, महत्वाकांक्षाएं, ऐसी महत्वाकांक्षा जो आम आदमी को कभी पूरा हो ही नहीं सकती है। ऐसी महत्वाकांक्षा को रख करके पूरा करने वाला महान मनुष्य, दोनों अर्थ लिया जा सकता है। और दृढ़िष्ठा मैंने दृढ़ता मह, दृढ़ता है विचारों से दृढ़ है, शरीर से दृढ़ है, वाणी से दृढ़ है, हर तरह से दृढ़ है। बलिष्ठ बलवत्तम, शरीर में बल भी है, दृढ़ शरीर है और बलवान शरीर, दोनों में अंतर है। शरीर दृढ़ है लेकिन बल नहीं है, आगे देखने में बलवान है किंतु दृढ़ नहीं है। दृढ़ता और बल दोनों में अंतर है ना। हम लोग बोलते ना स्टील बॉडी है, स्टील बॉडी का दृढ़ है वो, हड्डी मजबूत बोलते ना, इसकी हड्डी मजबूत है, बल हो या ना हो, ताकत हो या ना हो, लेकिन मजबूत हड्डी वाला, और ताकत होना अलग चीज, और कोई ताकत है लेकिन मजबूत हड्डी नहीं। बड़े बड़े कुश्ती खेलने वाले होते देखो, उनकी हड्डियां मजबूत नहीं होती, भाई खेल तो नहीं कुश्ती बहुत जबरदस्त, और थोड़ी सी तरह हुआ नहीं, वो फ्रैक्चर हो गया, इधर फ्रैक्चर हो गया, वो हो गया, ये हो गया, दुनिया भर बलिष्ठ है लेकिन दृढ़िष्ठ नहीं है। दोनों होना एक विलक्षणता है, यानी जन पुण्य का फल है। दृढ़िष्ठ हो, बलिष्ठ हो, बलवत्तम एवं आध्यात्मिक साधन संपन्न, कहने का इस प्रकार से शरीर संबंधी सकल साधनों से संपन्न है। हर बाई साधन ना हो तो व्यर्थ ही हो गया ना सारा साधन, शारीरिक साधन सब है, बौद्धिक साधन है, मानसिक साधन है, अहंकार मजबूत है, सारा चीजें हैं, लेकिन बाई कोई साधन उपलब्ध ना हो तो तब गति से नहीं। तस्य पृथ्वी मन उर्वी सर्वा वित्तस्य मन वित्तेन उपभोग साधन दृष्टार्थन दृष्टार्थन च कर्म साधन संपन्ना पूर्णा राजा पृथ्वी पति इत्यर्थः। राजा है सार्वभौम, पृथ्वी का पति है, क्योंकि उसके लिए वह पृथ्वी क्या कर रही है, सब प्रकार के वित्त से ऐश्वर्य से मने दृष्टार्थेन अदृष्टार्थेन च कर्म साधनेन, कर्म का साधन भूत जो कुछ भी है दृष्टादृष्ट वो सारी चीज को पृथ्वी दे रही है। दृष्ट भोग साधन और अदृष्टार्थ साधन से संपन्न पूरी पृथ्वी मिल जाए, अर्थात तो पृथ्वी का राजा हो जाए, ऐसा जो होगा तस्य यह आनंद, उसका जो आनंद है स एको मानुष मनुष्याणाम प्रकृष्ट एक आनंद, मनुष्यों को द्वारा प्राप्य, मनुष्यों के द्वारा प्राप्य या मनुष्यों को उपलब्ध होने योग्य एक प्रकृष्ट यदि आनंद है तो वो यही होगा, इससे अधिक नहीं हो सकता किसी को आनंद। और ऐसे आनंद को हम क्या गिनते हैं, एक आनंद नाम से गिनना शुरू करेंगे, वो एक आनंद है और उसकी सौ गुणा। ऐसे मनुष्य का जो आनंद होगा उसकी सौ गुणा आनंद किसको होता है, तेज शतम मानुष आनंद स एक मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्र काम हत्य तेये शतम मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद स एक देव गंधर्वाणाम आनंद श्रोत्र काम हत्य तेये शतम देव गंधर्वाणाम आनंद स एक पितृणाम चरलोक लोकानाम आनंद श्रोत्र काम हत्य तेये शतम पितृणाम चरलोक लोकानाम आनंद स एक आजानजानाम देवानाम आनंद श्रोत्र काम हत्य तेये शतम आजानजानाम देवानाम आनंद स एक कर्म देवानाम देवानाम आनंद ये कर्मणाम देवान अपियन्ति श्रोत्र शाखाम हतस्य ते ये शतम कर्म देवानाम देवानाम आनन्दः स एको देवानाम आनन्दः श्रोत्र शाखाम हतस्य ते ये शतम देवानाम आनन्दः स एक इंद्रस्य आनन्दः। कहते हैं उस मनुष्य आनंद का, एक मानुष आनंद की सौ गुणा जो आनंद है वह मनुष्य गंधर्व को प्राप्त है। मनुष्य गंधर्वों के द्वारा भोग के आनंद इस मनुष्य आनंद की सौ गुण आनंद होता है। मनुष्य गंधर्व किसको कहते हैं, जो यहां इसी कल्प में, पूर्व कल्प में नहीं, इसी कल्प में मनुष्य होकर उत्कृष्ट उपासना और कर्मकांड किया, उस अनुष्ठान के अंदर गंधर्व भाव को जो प्राप्त कर लिया उसको मनुष्य गंधर्व कहते हैं। और वो अंतरिक्ष लोक का वासी होता है, इसे श्रुतिन्द्र ने कहा यक्ष गंधर्वाप्सरो गणो गण सेवितम अंतरिक्षम। यक्ष गंधर्व अप्सर इन गणों से सेवित है अंतरिक्ष लोक, ऐसे एक नंबर टिप्पण में स्पष्ट वर्णन किया है। एक मनुष्य गंधर्व कहते हैं इनको,
और वो भी उनको तब मिलता है सौगुणा मानुषानंद जब ये श्रोत्रिय हो और अकामहत हो। कैसे होनी चाहिए? श्रोत्रिय होना चाहिए। कर्म और उपासना द्वारा मनुष्य से गंधर्व को प्राप्त हुए का एक आनंद होता है, क्योंकि इसलिए उसको ज्यादा आनंद रहेगा कि यह मनुष्य क्या है, अंतर्धान आदि हो नहीं सकता ना। अब मान लो सामने कोई आ गया बदमाश शत्रु, वो आगे एकदम गायब हो जाए तो सुख में रहेगा ना, पकड़ नहीं सकेगा, मार नहीं सकेगा, कुछ नहीं कर सकेगा। अब आप के अंदर सामर्थ्य है नहीं गायब होने की, अंतर्धान होने का सामर्थ्य नहीं है, इसलिए आपके आनंद स्वाभाविक रूप से उसकी अपेक्षा से कम होगा जिसके पास अंतर्धान होने की शक्ति हो। इसलिए कहते हैं गंधर्वों के पास अंतर्धान होने का शक्ति होने से मुझे ज्यादा सुख होगा आप मनुष्यों की अपेक्षा से। वही आनंद कामना के प्रतिघात से रहित हो और श्रोत्रिय हो उसको ही प्राप्त होता है। उसके भी सौ गुणा ते ये शतम मनुष्य गंधर्व नाम आनंद, सौ गुणा मनुष्य गंधर्वों के आनंद जो है ना, एको देव गंधर्व नाम आनंद, एक देव गंधर्वों को प्राप्त होने वाला आनंद होता है। देव गंधर्व वो है जो पीछे कल्प में उत्कृष्ट कर्म कांड द्वारा किए उपासना किए थे, इस कल्प की सृष्टि काल के आदि काल में देवलोक में समुत्पन्न होने वाले जो गायक है वो देव के तुम्बुरु नारद इत्यादि वे देव गंधर्व कहे जाते हैं। श्रोत्र चकामहतस्य, वो भी कैसे हो, उनको भी कंडीशन वही है कि वह श्रोत्रिय होना चाहिए और दूसरी बात कामनाओं से आहत नहीं होनी चाहिए। तेजम देव गंधर्व नाम आनंदा, जो देव गंधर्वों से भोग्य आनंद है एक आनंद, उसकी सौ गुणा आनंद जो होता है वह एक पितृ देवताओं का आनंद है। अर्यम आदि पितृ देवता लोग है उनके तरफ भोग्य आनंद माना जाता है, जो कि चिरलोक वासी होने से चिरलोक लोका नाम आनंद, चिरस्थाई लोकों में रहने वाले पितृगण का वह एक आनंद है समझो। उन्हें मानुष आनंद के स्पृहा नहीं रह जाए, जैसा क्षुद्र आनंद की इच्छा नहीं करोगे तो अपने आप उत्कृष्ट आनंद की प्राप्ति होगी। आप क्षुद्र आनंद का पीछे घूमते रहेंगे तो उत्कृष्ट आनंद भोग कैसे करेंगे? उत्कृष्ट आनंद चाहिए तो क्षुद्र आनंद का त्याग करना पड़ता है। मैंने क्षुद्र आनंद के त्याग का मतलब क्या, क्षुद्र आनंद की कामना का अभाव हो जाना, कामना ही न करना, इसको अकामहत कर दिया। मैंने पूर्व पूर्व आनंद की कामना न करोगे तो उत्तरोत्तर आनंद की अनुभूति होने लग जाएगी। श्रोत्र च कामहतस्य, ते शतम पितृणाम चिरलोक लोकानाम, चिरस्थाई लोकों में रहने वाले उन पितरों का जो आनंद है उसके अपेक्षा जो सौ गुणा जो आनंद होता है वह एक आनंद माना जाता है। किनका? आजानज देवताओं की आनंद। मैंने स्मार्त कर्म करके जो देव भाव को प्राप्त किया उनको आजानज देव कहा जाता है। स्मार्त कर्म करने वाले लोग उसके से प्राप्त जो है वो आजानज देव, और श्रौत कर्म करने वाले वो कर्मदेव कहेंगे। जो आगे आया वो जो आजानज देवताओं का आनंद है उसकी भी जो सौ गुणा जो आनंद होता है वो कर्मदेवों को प्राप्त होता है। कर्मदेव कौन है? वो जो कर्मणा देवान अप्यंती, जो कर्म करके देव भाव को प्राप्त किए हुए हैं श्रौत कर्म को करके। आजानज देव स्मार्त कर्म करके प्राप्त किया हुआ, और कर्मदेव कहते हैं जो श्रौत कर्म करके प्राप्त किया हुआ। श्रोत से अकाम जो भी वैसे ही है श्रोत और अकाम ते शतम कर्म देवानाम, देवानाम आनंद स एको देवानाम, ये जो कर्म देवों का जो आनंद है उसको सौ गुणा जो आनंद होता है एक आनंद माना जाता है। इनका इंद्रादि देवताओं का, इंद्र को छोड़ो कि उसके बाद इंद्र को ले रहे राजा है ना वो, अन्य देवता लो वायु आदि जिनका राजा इंद्र है, वायुवादि देवताओं का वह आनंद भोग होता है। वे भी जब कैसा हो, श्रोत्रिश्च अकामहतस्य, श्रोत्रिश्च अकामहतस्य, और उसके भी जो सौ गुणा एक आनंद उस इंद्र का होता है। इंद्र को जो प्राप्त आनंद होता है वह एक गुणा, उसकी सौ गुणा शुद्ध देवताओं की जो सृष्टि के आरंभ काल में पूर्व कर्म भी किया हुआ पुण्यों के कारण से देव भाव को प्राप्त किए हैं उन लोगों को होता, और इंद्र का भी सौ गुणा आगे बताएंगे भाष्य। स एक मनुष्य गंधर्वाणाम आनंद, मानुष आनंद की सौ गुणा मनुष्य गंधर्वों का आनंद होता है।
மானுஷானந்தாச் சதுகுணோன உத்கிருஷ்டோ மனுஷகந்தர்வனாம் ஆனந்த பவதி. மானுஷானந்தக்கு அபேட்சாசே சௌகுணா உத்கிருஷ்டஜோ ஆனந்த இப்போ மனுஷகந்தரோம் கேதுரோ போக்ய ஆனந்த உவாக்கிறதா ஹை. அர்த்தாத் மனுஷியாசந்த கர்ம வித்யா விசேஷாத் கந்தர்வத்தம் பிராப்த மனுஷகந்தர்வாஹ ஸ்பஷ்ட கர தியா. மனுஷ்ய ஹோகர் கே இசி ஜன்மமே இசி கல்பமே மனுஷ்ய ஹோகர் ஆப்னே ஜோ உபாசனா கியா ஔர் ஷோக் ஸ்மார்த்த கர்மம் கோ கியா ஹை உஸ்கே வஜஹ ஸே ஜோ கந்தர்வ பாவ் கி பிராப்தி ஹுயி ஹை உன்கோ கஹா ஜாதா ஹை மனுஷ்ய கந்தர்வா. தே ஹி அந்தர்தானாத் சக்தி சம்பன்னா சூக்ஷ்ம காரிய கர்ணா. கிங்கி உன்கா உன்கே ஷரீர் கேசா ஹோதா ஹை சூக்ஷ்ம ஹோதா ஹை உன்கோ ஸ்தூல் ஷரீர் ஹோதா ஹி நீ வோ சூக்ஷ்ம ஷரீர் கே த்வாரா ஹி சப் மௌஜ் மஸ்தி கர் லேதே ஹை. அதேவ மர்ஜி சுஸ்துஷன் கோ பி பிரகட கர் சக்தே ஹை ஔர் மர்ஜி ஸே காயப் பி ஹோ சக்தே ஹை. அந்தர்தான ஆதி சக்தி ஸே வோ சம்பன்ன ஹை கியோங்கி உன்கே பாஸ் சூக்ஷ்ம காரியகரண சங்காத் ஹோதா ஹை. ஸ்தூல் தோ உன்கி மர்ஜி ஸே பிரகட கர் லேங்கே ஔர் மர்ஜி ஸே காயப் பி கர் லேங்கே. ஐசே விசிஷ்ட சாமர்த்திய வாலே ஹோனே ஸே உன்கா ஆனந்த் பி ஸ்வதை சித்தே ஜாதா ஹோகா இஸ்மே கோ சம்சய நஹி. தஸ்மாத் பிரதிகாத அல்பத்த இஸ்லே மான் லோ கி உன்கே அந்தர் பிரதிகாத் கி கமி ஹை நியூனதா. மனுஷ்யோ கே ஜாதா பிரதிகாத் கி சம்பாவனா ஹை. அம்மா லாந்தி தூஃபான் சல் ரஹா ஹை தூள் மிட்டி உட் ரஹா ஹை அப் க்யா கரேங்கே பேச்சாரே ஹை. இதர் சிப்னா படேகா டக்னா ஹோகா காயப் ஹோ ஜா தோ பிரதிகாத் ஹோதா க்யா. பாரிஷ் ஆ ரஹி ஹை பீக் ரஹே பரேஷான் ஹோ ரஹே ஹை. அரே அந்தர்தான் ஹோ ஜா காயப் ஹோ ஜா தோ பாரிஷ் க்யா கர் லேகி ஆப்கி. இசை நிச்சித ரூபேணா யே ஜோ த்வந்த்வ ஹை ஆந்தி தூஃபான் கர்மி தூப் பானி வகைரா இன் சாரே சீஜோன் சே க்யா ஹை மனுஷ்ய கந்தர்வ பச் ஜாயேங்கே. இன் யே சீஜே உன்கோ பிரதிகாத் நஹி கர் சக்தே ஜேசே மனுஷ்யோன் கே சாத் கர்தே ஹை. இஸ்லிய உன்கா ஆனந்த் ஜாதா ஹை ஹி யே கர். தஸ்மாத் பிரதிகாத் அல்பத்வம் தேஷாம் த்வந்த பிரதிகாத் சக்தி சாந்த சம்பத்திஷ்ச. கே த்வந்தோங்கோ உல்டா வே ஸ்வயம் பிரதிகாத் கர்தே த்வந்த உன்கோ நஹி தங்க கரேகா பல்கி வே த்வந்தோங்கோ தபா தேங்கே. ऐसे सामर्थ्य उनके पास होता है. उन्हें प्रतिघात स्वरूप होता था उनमें प्रतिघात स्वरूप होता है और द्वंद्वों को रोकने की शक्ति एवं साधन संपन्न शक्ति उनके अंदर होती है. ततो अप्रतिहन्यमानस्य प्रतिकारवत्त. इसलिए मनुष्य गंधर्व का चित्त ऐसा हमेशा प्रसन्न रहता है क्योंकि अप्रतिहन्यमानस्य प्रतिकारवत्त मनुष्य गंधर्व सियात् चित्त प्रसाद. इसे मानना पड़ेगा जिसका कोई प्रतिहनन करने वाला ही नहीं रह गया है ना. जिसका कोई प्रतिघात किसी पर कष्ट क्लेश दुख आदि पहुंचाने की सामर्थ्य किसी का नहीं रह गया. जो जिनको ऐसा जो मशगंधर वह जिनके आसान से कोई किसी प्रकार कष्ट दे नहीं सकता प्रतिकार होता बल्कि उनके पास सबको प्रतिकार करके सामर्थ्य है. जो उनको कष्ट करने सोचेगा उसको उल्टा कष्ट देने के सामर्थ्य उनके पास है. அத்தேவே மனுஷ கந்தர்வசிய சச்சித்த பிரசாத நிச்சித சித்த பிரசாத விசேஷ யுக்த ரேகா தத் பிரசாத விசேஷ சுக விசேஷாத் வியக்தி. ஜிசன் சித்த மிவ பிரசன்னதா விசேஷ இசை ஆனந்த சுக விசேஷ கி அபிவியக்தி விபர்த்தி ஜாதி ஹை. ஏவம் பூர்வசிய பூர்வசிய பூமேர் உத்தரஸ்யாம் உத்தரஸ்யாம் பூமௌ பிரசாத விசேஷத சதகுணேன ஆனந்த உத்கர்ஷ உபபத்யதே. இசிலே பூர்வ பூர்வ பூமி அபேஷா சே உத்தரோத்தர பூமியோ மே क्या है प्रसन्नता की विशेषता है. अतएव सौगुणाधिक 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 करके आनंद भी उसके उत्कर्ष बढ़ते जाता हुआ अनुभव में आएगा. ऐसे कहने में कोई दोष नहीं है. युक्ति उत्ते उपन्न है.